हे गाइस, कैसे हो? और आज काफ़ी है ना अलग टॉपिक कर रहे हैं। आज ब्लॉग जैसा ब्लॉग तो नहीं होगा, तो अलग टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये टॉपिक है ना, सबको जानना ज़रूरी भी है। जितना भी ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो बहुत गलत गलत हो रहा है कि मेरे इसलिए ना, तो भले हमसे भी गलत तो हो जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा गलत भी कभी नहीं होती है यार। इतना जो ये जो गलती है ना, गलती हमने अपने आप को सुधार करना पड़ती है। ये चीज़ कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आप यहाँ पर बात करने वाला हूँ यार ट्रिगर्ड इंसान के भाई के बारे में। ट्रिगर्ड इंसान के भाई में तो आज एक्चुअली में संडे, तो 26 जून है। और भाई साहब कल ट्रिगर्ड इंसान खुद ही लाइव भी होके उन्होंने उस चीज़ के बारे में बताया था। भले ही एक प्रैंक जैसे टाइप का था, लेकिन उन्होंने एक अच्छा मैसेज भी दिया। मैं थोड़ा उनका क्लिप भी आपको दिखाऊंगा। ना मर्जी किसी को ऐसा बोल लूँ, वो प्रैंक की बात अलग थी। देख, इसको सिंपल सी बात यह है, इसको समझाने की एक वो थी कि यार ये चीज़ सही नहीं है, तुम ये मत करो, क्योंकि मैं प्रैंक कर रहा था, ठीक है। ये तो हम मजाक कर रहे थे, स्टार्टिंग से हमारा पूरा सेटअप था। लेकिन अगर तुम लोग यार एक्चुअली में ये चीज़ करते रहोगे, तो कब तक ही कोई प्रैंक में लेता रहेगा? एक दिन तो कोई आके मतलब बोलेगा ना कि यार ये गलत हो रहा है, दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड, ठीक है। तो प्लीज़ ये सब मत करो, किसी को गाली दे के, बस उसके बारे में बकवास बोल के, उसको जान से मारने की धमकी दे के, ये सब करके फालतू में YouTube पे व्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अच्छा कंटेंट बना लो यार। शॉर्ट्स इतना बढ़िया YouTube ने एक सिस्टम निकाला है, वैसे ही अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बना के व्यूज़ ले लो, बट नहीं, ऐसे काम करने हैं। तो ये इस भाई को भी एक लेसन था कि ऐसा नहीं होना। और जो क्या यार उसका नाम क्या है, स्टार अमित, वो भाई यार ऐसा मत करना कभी भी। वैसे ये चीज़ है ना, तो भले आप पहले सबसे पहले तो इसका अमित का वीडियो देखो, उसने क्या कहा। अबे वो भिखारी की औलाद ट्रिगर्ड इंसान छपरी समझ रहा है क्या? वे साले तुझे क्या ही बताऊँ, तू भाई मिल गया ना भाई, तेरे को चाकू पेल दूंगा मैं, बता रहा हूँ। तो देखा गाइस आप लोगों ने क्या क्या बताया उसने, ऐसा चीज़ बोलना चाहिए, बोलने वाली बात है यार बोलनी। भाई सब कुछ ठीक था, वो चाकू वाला क्या सिस्टम है यार, ऐसा मत बोलो भाई। ये पता नहीं क्या, मैं है ना इस धारा इतना नंबर सेक्शन वाला वो तो मैं जानता नहीं हूँ, है ना। तो ये चीज़ भी क्या पता नहीं वहाँ पर धारा उसमें यार एक कल का लंडा क्या हुआ, उसने भाई ने भी वीडियो बना के रखा धारा इतने भाई इतने में क्या हो रहा है, इसको सज़ा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए बोल रहा है। तो भाई ये देखो, मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई साहब, सीधा सीधा बात यही है, पॉइंट यही है कि कोई भी किसी के ऊपर मतलब ऐसा जैसे कि मारने वाली बात है, जैसे होता है मारने वाली बात, धमकियाँ, वो चाकू, यार ये यार बड़ा मुझे भी अजीब सा लगा है ना, तो थोड़ा आवाज़ नहीं आया होगा तो उसके सॉरी। तो क्योंकि मैं अब व्यू पॉइंट में आया हूँ, स्पेशली इस वीडियो शूट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो भाई साहब ऐसा मत बोलो, कोई भी होता है, तो खास करके मेरा ऑडियंस है ना, आप लोग भी देखो है ना, तो खास करके आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तो सोशल मीडिया में नहीं बहुत ज़्यादा वो होने लगी है आजकल। देखो आने वाला जो वो होने ना, तो मतलब यही चीज़ होने वाला है कि मतलब लोग क्या यार, मैं क्या चीज़ बताऊँ यार, उसने तो ओपन है यार YouTube जैसे ओपन सोशल मीडिया उसके ओपन प्लेटफॉर्म में उसने ऐसा बोल दिया कि भाई यार ये भले है ना, आप लोग सोचो, थोड़ा सोचो इस टाइप का मतलब वीडियो तो मत बनाओ मेरे हिसाब से, मैं मतलब बनाओ आप यार। उसने खास में क्या बोला कि यार मैं सब व्यूज़ पाने के चक्कर में यार ऐसा ऐसा, भाई यार व्यूज़ पाने के चक्कर में इतना भी मत गिरना चाहिए, कितना भी मत गिरो यार, है ना। तो करते हैं लोग, हर कोई करते हैं, लेकिन थोड़ा आवाज़ बहुत ज़्यादा आया होगा, हवा भी क्या बोला इसी टाइम में आ जाती है, तो बोलो भाई, लेकिन ऐसा मत बोलो ना यार कि भाई चाकू मार दूंगा यार, वो क्या हो गई भाई यार, ये तो कोई गलत सीधा साधा गलत बात है ना यार, भाई चाकू रोक दूंगा, भाई ऐसा मत बोलो, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं तो सीधा बोलूंगा भाई, करो क्लिक बेट थोड़ा बहुत हो जाती है, तो मैं भी करने की कोशिश करता हूँ यार। यूट्यूब में आजकल कोई नहीं होगी कंपटीशन के जाओ ना, इतना कंपटीशन हो गई कि यूट्यूब में तो आप बात ही मत करो, यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लिक बेट करना पड़ता है, लेकिन एक उसने बताया कि इसी टाइम में कि यार ये उनका जो पायल जोन ने भी पता नहीं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात किया, पायल जोन भी ये बोलती है तो सारा उल्टा पुल्टा क्या है क्या
ऐसा बहुत सारे चीज हुआ था ना, तो क्या बताऊँ मैं ना जब इस चीज़ के कल लिटरली मैं तो उसका जब वीडियो देखा, लेकिन प्रैंक तो था, लेकिन उसने 1 घंटा 7 मिनट 32 ऐसे कुछ सेकंड का था उसका जो लाइव, उसका निश्चय मलन का ट्रिगर्ड इंसान भाई, मैंने देख लिया जब बाद में देखा, लेकिन लाइव नहीं देखा, बाद में मैंने क्या किया वो पूरा वीडियोस देखा है ना, तो स्ट्रीम होने के बाद, ख़त्म होने के बाद मैंने देखा। तो ऐसा सा है ज़िंदगी, हर किसी का है, जीने का अपना अपना तरीका हो जाता है, लेकिन किसी के ऊपर ऐसा कभी भी मत बोलो मेरी तरफ से, ठीक है। तो भाई निश्चय भाई आपने तो माफ़ कर दिया है ना, लेकिन आपको इतना मतलब, मैं जब उसके बाद सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा यार, हाँ यार क्या यार निश्चय भाई का यार डाउन टू अर्थ वाला आदमी लगा मुझे यार, क्या ही भाई आप बहुत है ना वो। लेकिन उसने बोला कि भाई ये इस कल ऐसा बंदे ने बोला तो मैं मानने वाला थोड़ी हूँ, ऐसा बोला है ना। लेकिन उसने जब वो जब ट्रिगर इंसान लाइव में थे, वो भी लाइव में था, तो दोनों लाइव में थे, ऐसा से बोला। तो मेरी तरफ से प्लीज़ करो वीडियोज बनाओ वगैरह वगैरह बनाओ, सारा लोग करते हैं, लेकिन ये वाला मारने वाली काटने वाली ऐसा चीज़ मत करो, ठीक है। तो आज मेरा कहने का यही था कि मेरे को ना कल से मन में ऐसा लग रहा था कि यार ये कब, इसके बारे में कब बना के मैं भी कब बताऊं यार, ये चीज़ मुझे अच्छा ही नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अभी थोड़ा शांति मिलने लग गया वीडियोस बनाया, अब देखता हूँ मैं इसको कितना कब तक हो सकती है। तो ऐसे जब तक मन में हो जाती है तब तक ऐसे हो जाती है, तो थैंक यू है ना। तो कोई भी हो जाती है तो ऐसा मत करो, कोई भी वीडियोज़ बनाते वगैरह बनाते, तो ये चीज़ थोड़ा समझ लो, ठीक है। थैंक यू।